नमस्कार दोस्तों, स्वागत है स्टडी फॉर जुडिशरी चैनल में। देखिए, इस वीडियो में आपको मैं सामान्य जानकारी बता देती हूँ मध्य प्रदेश की, एमपी की। पहली बात तो यह है कि जो 23 फेब को एमपी पीसीएसजे का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसमें भी आपको एमपी जीके के बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा जो एमपी पीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें भी एमपी के जीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो एमपी के आपको जनरल नॉलेज होनी चाहिए। कुछ वीडियोस हैं जो मैं आपको इस चैनल प्रोवाइड करा दूंगी। पहली वीडियो है ये मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन से संबंधित। सबसे पहले तो हम इसका इंट्रो देख लेते हैं मध्य प्रदेश का। देखिए, राज्य का नाम जो है वो मध्य प्रदेश है। अन्य नाम अगर देखें तो मध्य प्रदेश को सोया स्टेट, हृदय प्रदेश, मध्य भारत, लघु भारत और नदियों का मायका भी, इसके अलावा सेंट्रल प्रोविंस और बरार भी कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन बनेगा सोया स्टेट किसको बोलते हैं, तो मध्य प्रदेश को बोलते हैं। नदियों का मायका मध्य प्रदेश, सेंट्रल प्रोविंस मध्य प्रदेश और बरार मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो क्या है, भोपाल है, आप सभी को पता होगा। देखिए, जो मध्य प्रदेश है राज्य दिवस मनाता है वो ये मनाता है 1 नवंबर को। राज्य की स्थापना की गई थी 1 नवंबर 1956 में, और वर्तमान स्वरूप अगर देखें तो 1 नवंबर 2000 से मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश कहते हैं। अगला पॉइंट कि मुख्य भाषा मध्य प्रदेश की क्या है, तो वो है हिंदी। मध्य प्रदेश की मुख्य भाषा है हिंदी। अगर अन्य भाषाएं की बात देखें तो मध्य प्रदेश में अन्य भाषा उर्दू है। इसके अलावा जो अन्य क्षेत्रीय भाषाएं हैं वो भी मध्य प्रदेश में बोली जाती हैं। अगला है राजकीय चिन्ह। एमपी का राजकीय चिन्ह है 24 स्तूप आकृति के अंदर एक वृत्त है, उसमें गेहूँ और धान की बालियाँ दर्शित की गई है। राजकीय पुष्प मध्य प्रदेश का यह सफ़ेद लिली। राजकीय पशु जो है वो होता है बारहसिंगा। राजकीय पशु बारहसिंगा है मध्य प्रदेश का, और राजकीय पुष्प है सफ़ेद लिली। राजकीय पक्षी है दूधराज। साहे बुलबुल भी इसको बोलते हैं, पैराडाइज फ्लाई कैचर भी इसको बोलते हैं। अगला है राजकीय वृक्ष, ये है बरगद बट वृक्ष। बरगद के वृक्ष का जो है ये मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। राजकीय मछली ये है महासेर। राजकीय नाट्य माछ है। राजकीय नृत्य ये राई है। राजकीय फसल जो है वो यहाँ की सोयाबीन है। सोयाबीन मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा होती है। राजकीय खेल ये है मलखम्ब। राजकीय नदी नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश में अमरकंटक के पास से निकलती है। राजकीय फल ये है आम। राजकीय गान तो सुख का दाता सबका साथी, शुभ का है यह संदेश। सॉरी फ्रेंड्स, अगला है राजकीय गान जो है शुभ का दाता सबका साथी, शुभ का है यह संदेश, माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश। क्षेत्रफल देखें, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। इसका क्षेत्रफल है 3,08,292.52 वर्ग किलोमीटर। विस्तार जो है पूरब से पश्चिम की तरफ जो है 870 किलोमीटर है, उत्तर से दक्षिण 605 किलोमीटर है। राज्य की सीमा जो लगी हुई है वो 5 राज्यों से इसकी सीमा लगी हुई है। उत्तर प्रदेश, उत्तर में उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र और पश्चिम में राजस्थान व गुजरात स्थित हैं। 5 राज्य हैं टोटल जो कि मध्य प्रदेश से लगे हुए हैं। भौगोलिक स्थिति अगर इसकी देखें तो 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार है। 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर और 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। विधानसभा की सीटें अगर देखें तो विधानसभा की सीटें जो है मध्य प्रदेश में 230 है, और एक सीट एंग्लो इंडियन की है, यानी कि टोटल 231 सीटें हैं विधानसभा की मध्य प्रदेश में। लोकसभा की सीटें 29 हैं, राज्यसभा की सीटें यहाँ पर 11 हैं। आगे कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा क्षेत्र 35 हैं। 35 विधानसभा क्षेत्र विधानसभा में आरक्षित किए गए हैं मध्य प्रदेश में। अनुसूचित जनजाति के लिए विधानसभा में जो आरक्षित क्षेत्र हैं वो है 47। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित लोकसभा क्षेत्र ये है 4 लोकसभा क्षेत्र आरक्षित किए गए हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित लोकसभा क्षेत्र 6 हैं। मध्य प्रदेश में कुल SC ST के लिए आरक्षित विधानसभा का टोटल देखें तो 82 हैं, और SC ST के लिए लोकसभा में 10 सीटें रिजर्व की गई हैं। संभाग देखें यानी कि मंडल संभाग जो हैं वो मध्य प्रदेश में 10 हैं। ज़िले हैं 51,
तहसील है 368, विकास खंड है 313, आदिवासी विकास खंड है 89, नगर शहर अगर जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग देखें तो 476 है। यहाँ पर नगर निगम की संख्या है 16, नगर पालिका है 98, नगर परिषद हैं 264 और ग्राम पंचायतें यहाँ पर 22,824 हैं। जनपद पंचायत हैं यहाँ पर 313, जिला पंचायतें हैं 51। टोटल जो गांव हैं यहाँ पर वो हैं 54,903। 2011 की जनगणना के अनुसार आबादी वाले जो गांव हैं वो हैं 52,117। विद्युतकृत ग्राम जहाँ पर बिजली पूरी तरह से है वो है 34,240 गांव। पुलिस रेंज यहाँ पर 11 है, डीआईजी रेंज है यहाँ पर 15, पुलिस जिले एसपी 51 है, पुलिस थाने जो हैं वो 1,061 है। प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो जबलपुर में है, प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर। खंडपीठ है यहाँ पर इंदौर और ग्वालियर।